अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस में मेमोरी बढ़ाई जाए। सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस में मेमोरी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत जो हैं टेंस हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे ग्रैंड प्राइम प्लस में मेमोरी को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस इस तरह की हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। इस फ़ोन में भी कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो हमारे किसी काम की भी नहीं हैं, हम उनको यूज़ नहीं करते, उन्होंने 200 से 300 एमबी की स्पेस जो है वो ली हुई होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं जाके बताऊँगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाली एप्स हैं, इनमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वन ड्राइव, पावर पॉइंट, इन चीज़ों ने हमारी कितनी स्पेस ली होती है हमारे मोबाइल की, जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते। ये मोबाइल ऑलरेडी 8 GB इसमें मेमोरी होती है, जिसमें 4 GB सिस्टम ने ली हुई होती है और कुछ इन एप्लीकेशंस ने ली होती है। तो आपको बताता हूँ कि इन एप्लीकेशंस को डिसेबल कर देते हैं हम सेटिंग में जाके, तो किस तरह से जो है फिर ये एप्लीकेशन जो है हमारी जो है स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ से सेटिंग में जाते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल की कितनी मेमोरी जो है वो फ्री है, और उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद आपको बताता हूँ कि बाकी मेमोरी कितनी रह गई। यहाँ हम सेटिंग में गए हैं, तो सबसे पहले ये मेमोरी शो हो रही है अभी कि अब आप देख रहे हैं 482 MB यहाँ पर फ्री है। तो यहाँ से हम वापस बैक चले जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है एप्लीकेशन को डिसेबल किया जाता है और मेमोरी को बढ़ाया जाएगा। यहाँ से हम एप्लीकेशन में चले गए। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को नज़र आएंगी जो हमारे यूज़ किए हैं, उनके अलावा कुछ ऐसी हैं जो हम यूज़ नहीं करते। तो उन एप्लीकेशंस को, जैसे कि ये एक्सेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको हम मोबाइल पे यूज़ नहीं करते। और ये फेसबुक है, हम इसकी जगह पे भी फेसबुक लाइट यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत स्पेस लेती है। तो एक्सेल को यहाँ से हम डिसेबल कर देते हैं। तो अभी आपने देखा था ये कितनी स्पेस ले रहा था, तो अब हम बैक जाके इसको देखते हैं कि ये कितनी स्पेस लेता है। अब आपने देखा कि इसकी स्पेस ज़ीरो हो गई है, डिसेबल हो गया है, तो हमारे पास कितनी और एक्स्ट्रा स्पेस आ गई होगी। तो इस तरह से और एप्लीकेशंस यहाँ से हम देखते हैं, और जो हमारे यूज़ में नहीं है उनको भी डिसेबल कर देते हैं। वन ड्राइव, ये भी हमारे यूज़ में नहीं होती, इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। तो ये अनइंस्टॉल हो रही हैं, डिसेबल हो जाती हैं। तो स्पेस देखें, इसने भी कितनी स्पेस ली हुई थी, ये वन नोट हो गया, इसने भी बहुत स्पेस ली हुई थी, इसको भी यहाँ से हम डिसेबल कर देते हैं। अब ये पावर पॉइंट को भी डिसेबल कर देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक एप्लीकेशन में आपको डिसेबल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस फ़ोन में आप फेसबुक लाइट यूज़ करें और मैसेंजर लाइट यूज़ करें, ना कि फेसबुक जो है जो रियल वर्जन है उसका, उसको यूज़ करें, और मैसेंजर का भी एक बड़ा वाला जो वर्जन होता है प्रो, फेसबुक और मैसेंजर, उन वर्जन्स को डिलीट करके आप फेसबुक लाइट और मैसेंजर लाइट को डाउनलोड कर दें, तो जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस और भी बच जाएगी। तो अब यहाँ से हम दोबारा से सेटिंग में जाते हैं, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पेस पहले थी और अब कितनी स्पेस आ चुकी है मोबाइल में। यहाँ डिवाइस मेंटेनेंस में जाके अभी आप देखना यहाँ पर कितनी और स्पेस आ गई, पहले थी 482 MB, और अब देखते हैं कि स्पेस कितनी आ चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं कि 1.1 GB स्पेस हमने जो है बना ली है 482 MB से, और अब ये बाकी जो है हम इसको भी क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, और 1.1 GB से अब देखना कि स्पेस यहाँ पर कितनी ज़्यादा हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी। अब देख रहे हैं आप, 1.4 GB स्पेस मैंने इसमें बना ली है, और इसी तरह से आप अपने ग्रैंड प्राइम प्लस में भी जो है स्पेस बना सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो एप्लीकेशन हम नहीं यूज़ करते, सिस्टम की एप्लीकेशन होती हैं, उनको डिसेबल करके तो आप अपने मोबाइल में मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अब हम गैलरी ओपन करेंगे, तो गैलरी ओपन हो गई, देख रहे हैं आप। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।